नमस्कार दोस्तों, मेरा भी आप सबका स्वागत करता हूं आपके सपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है आरकेडी टेक वर्ल्ड। तो आगे हम एक और टेक एपिसोड के साथ, तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को शुरू इस छोटे से इंट्रो के बाद। I'm OG, y'all new to the game. तो सबसे पहले खबर देखने मिल रही है हमें सैमसंग की तरफ से। तो Geekbench में सैमसंग के स्पेसिफिकेशंस रिवील हो गए सैमसंग गैलेक्सी एफ 42 5G मॉडल के। तो इसके जो रिवील देखने मिल रही है कुछ इस तरह से, सैमसंग गैलेक्सी एफ 42 आपको देखने मिल सकता है 700 डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ, जो कि एंड्रॉइड 11 में रन करेगा और जिसमें कि 6GB इंटरनल रैम आने वाला है। तो ये तो कुछ ऊपर का हाइलाइट्स, आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। चलिए चलते अपने अगले खबर की ओर। तो अगली खबर हमें देखने मिल रही है बोल्ट ऑडियो की तरफ से। तो बोल्ट ऑडियो ने प्रो बास X1 एयर नेकबैंड मॉडल लॉन्च कर दिया इंडिया में, जो कि आपको देखने मिलता है IPX5 सर्टिफिकेशन के साथ। और इसका जो बैटरी बैकअप है ये 10 आवर्स का आपको क्लेम कर रही है कंपनी, जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और इसका एग्जैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे, तो जरूर से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। और इसकी प्राइसिंग जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए चलते अपने अगले खबर की। तो अगली खबर हमें देखने मिल रही है पैनासोनिक की तरफ से। तो पैनासोनिक ने अपना 2-in-1 टचबुक G2 अनाउंस कर दिया, जिसमें कि आपको 18.5 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है और जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करने वाला है। 2-in-1 से समझ गए होंगे कि इसको आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो, लैपटॉप की तरह भी। तो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे, आप जरूर से डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए चलते अपने अगले खबर की ओर। तो अगली खबर हमें देखने मिल रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी A22 5G मॉडल लॉन्च हो गया इंडिया में, जो कि आपको ट्रिपल रेयर कैमरा के साथ देखने मिल जाता है और जिसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट हो रही है इंडिया में वो है 20,000 से। तो जैसा कि मैंने कहा, जो कि एक 5G मॉडल है, आपको एग्जैक्ट इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते अपने अगले खबर की ओर। तो अगली खबर हमें देखने मिल रही है पोको की तरफ से। पोको X3 GT के डिजाइन कंफर्म हो गए रेंडर्स के थ्रू, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। और इसमें आपको Dimensity 1100 चिपसेट भी देखने मिल रहा है और इसके जो भी डिजाइन और स्पेसिफिकेशन निकल रही है ये आपको Redmi Note 10 Pro 5G मॉडल के सिमिलर देखने मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं लास्ट में अपने टेक फैक्ट के बारे में। आई होप आप लोग इसका वेट कर रहे होंगे। तो क्या आपको पता, हम में से मेजोरिटी लोग USB जब हम अपने USB पोर्ट में प्लग इन करते हैं तो पहले हम उसे ठीक लगाते हैं, बट हमें लगता है वो ठीक से नहीं लगा तो हम उसे उल्टा करके बट वो असली में उल्टा रहता है। फिर हम ऑफिस से उसको जैसे पहले लगा रहे थे वैसे ही लगाते हैं और वो सीधा रहता है। तो अगर अब तक आप ऐसा मिस्टेक कर रहे थे तो आप अकेले नहीं हो, हम में से 86% पीपल ये मिस्टेक करते हैं पहले टाइम में कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे प्रॉपरली प्लग इन नहीं कर पाते। तो क्या आप रिलेट कर रहे हो बात से, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपने भी ऐसा किया है तो, क्योंकि मैं तो 90% ऑफ द टाइम ये गलती करता ही हूँ। आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने भी कभी ये किया है। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी कुछ नया जानने मिलेगा। और अगर आप नए चैनल पर तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको इसी तरह के एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। We'll be right back.